आखिरी चीज है, उसके बाद भी अगर आंख नहीं खुलती किसी इंसान की तो मैं नहीं समझता कि वो अपने अपने गिर्द, उसने जो ये फला तुजक्कू अनफुसकुम, उसने जो अपने गिर्द तस्किया नफ्स का एक मस्नूई हाला बना लिया है, कभी भी वो उस हाले से निकल सकेगा अगर इस हदीस से भी आंख ना खुली। और वो हदीस क्या है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने उसको अपने जो खुतबात जुमा है उनमें नकल किया है, बेहकी की रिवायत है। ओह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इला जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम अनिकलि मदीना तक कजा व कजा बे अहलिहा, अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत जिब्राइल को फला फला बस्तियों को उलट दो उसके रहने वालों समेत। काला फकाला, हुजूर ने फरमाया, इस पर हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, इन्न फीहा अब्दका फलानन लम यासिक तरफतैन, परवरदिगार उस बस्ती को उलट दू, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसत नहीं की। अब आप अंदाजा कीजिए, ये जो है ना अपने आप को रगड़ना और मांजना और पूरी जिंदगी रगड़ने में और मांजने में लगा देना, हम बाद बुजुर्गों के तस्करे में सुनते हैं, इतने अल्लाह वाले थे, इतने अल्लाह वाले थे कि उनका घोड़ा भी कोई मशकूक दाना नहीं खाता था, और वो खुद जो है वो अंग्रेज की अदालत में बैठे हुए और अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे। ये है वो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का आदम तवाज़ुन, ताहूत की चाकरी कर रहे हैं, अंग्रेज की मुलाजमत कर रहे हैं, अंग्रेज के कानून की तनफीज के अंदर आलाकार बन रहे हैं, लेकिन जाती तकवा और जाती नेकी और जाती लिल्लाहियत जो है उसका मेयार यह है कि उनका घोड़ा भी मशकूक चारा और मशकूक खाना नहीं खा सकता। यह है वो आदम तवाज़ुन, उसको नोट कीजिएगा, जिसको कि इस हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि अल्लाह फला बस्ती को उलट दू, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने पलक झपकने जितनी देर भी मासियत ने बसत नहीं की। जाती नेकी का इससे ऊंचा कोई मकाम कोई शख्स मुझे अगर बता सके तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। इससे ऊंचा कोई मकाम होगा कि आंख झपकने जितनी देर भी किसी ने मासियत में बसर नहीं की, जाती नेकी की मेराज। लेकिन हुक्म क्या हुआ बारगाह खुदाबंदी से, काला फकाला, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म लिया जिब्राइल को, इक्लिब है अलैहि वालैहि, उल्टो इस बस्ती को पहले उस बदबख्त पर फिर दूसरों पर। क्यों, फइन्न वजहहु लम यतमार फी असातन कत, इसलिए कि इसका चेहरा कभी मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, उस चेहरे का रंग नहीं बदला। बेगैरत इंसान, बदियां फैलती रही, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, मेरी शरीयत की धजियां बिगड़ती रही, अवामिर का मजाक उड़ाया जाता रहा, नवाही के लिए दुनिया के अंदर जिन चीजों से मैंने रोका उसके लिए फलसफे तराशे गए, और ये लगा रहा मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, ये सिवाय जाती अपने उस इस्लाह के और जाती तकवा के और जाती देखी के और जाती इबादत गुजारी के ये मैदान में नहीं आया, इसका खून नहीं खोला कभी, इसके चेहरे का रंग मुतगैर नहीं हुआ, लिहाजा ये दोहरा मुजरिम है। ये है वो तसव्वुर जो यहां पर नोट कीजिए। हां, इसके ये मानी भी नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ रहे, रोजा भी नहीं रख रहे, इकामत दीन के कारकुन है, फर्ज नमाज आ गई है वो चली जा रही है, जमात का कोई एहतमाम नहीं है। अब ये दो इंतहाएं हैं, एक इंतहा यह कि वो तज़किया नफ्स जो है उसी में वो रगड़ने और मांजने का अमल जारी है, एक ये कि उसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, अपनी जात से बहस ही नहीं, वो कैफियत वो हो गई है जो यहूद की आई है कुरान मजीद में, क्या तामरून अन्नास बिलबिर्र व तंसौन अन्फुसकुम व अंतुम तत्लून अल-किताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते और अपने आप को भूल जाते हो, ये दूसरी इंतहा है। फिर वही बात अर्ज करूंगा, वही बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता है जिस पर चलना होगा, कि न ये हो कि वो मुबालगा हो रहा हो, अपनी जाती इस्लाम में तो मुबालगा की हद तक आगे जा रहे हैं, और दूसरे ये कि अपने दीन की तबलीग और इशात इकामत दीन की जिद्दोजहद उसका खाना ही नहीं खोला जिंदगी में, वो खाता ही नहीं खुला।